हेलो गाइस, सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है ना, थोड़ी सी लेट आने वाली है। तो मैंने सोचा कि मैं जो शादी में गई थी ना अपने नेबर की, नेबर कम और मेरी फैमिली ज़्यादा हो गई, अब उनकी जो शादी के कुछ मोमेंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और सूट बूट में मेरे ये जो दो कन्हैया था ना, वो घूम रहे थे युवराज ने, तो पूरा जो स्टेज था ना उसको ही चेकआउट कर लिया था कि कैसा है। उसके बाद हमने स्टार्टर से स्टार्ट किया था। शादियों में ना लोग बताते नहीं है यार, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि तैयार हो जाओ और खाना खा लो। अगर आप डाइटिंग पे हो या जो भी है मेरी तरह आप हो जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खाते हो ना, उनके लिए बेस्ट है। पनीर टिक्का मेरी फेवरेट चीज़ है जो मैं हमेशा खाती हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो भी स्टार्टर था मैंने ज़रा ज़रा सा लिया था क्योंकि आई एम ऑन डाइट। उसके बाद मैं इसकी वैनिटी में दुल्हन को मिलने गई थी। ये है प्रिया, सबसे खूबसूरत और एकदम डॉल टाइप की लग रही थी ये। और उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे कुछ और खाने के लिए, और यहाँ पर रुद्र को मिल गया था उसका फेवरेट पिज़्ज़ा। बच्चों को जब शादियों में अपनी कम्फर्ट की चीज़ें मिल जाती है ना, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। मैं यहाँ पर गई थी अपने कंफर्ट की चीज़ लेने के लिए, यानी कि कॉफ़ी लेने। ठंड ज़्यादा थी और मुझे कॉफ़ी पीनी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे एंट्री हो गई थी दूल्हे राजा की, और ये बहुत ही ग्रैंड और अच्छे तरीके से हुई थी। और पंजाबी थे तो यार नाचने में तो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, बोलो। उसके बाद मैंने यहाँ पे और एक अपनी फेवरेट चीज़ ली थी जो कि है रसमलाई। मैंने और रुद्र ने सिर्फ वही किया था जो हमारा दिल कह रहा था, यानी कि अपनी फेवरेट चीज़ें खाना। गुलाब जामुन के साथ अगर आप रसमलाई खाते हो या ये जो कुल्फी ये लोग खा रहे हैं ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपके भी मुंह में पानी आ जाए इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। मैंने उनमें से एक भी चीज़ें नहीं खाई थी। हाँ, उसके बाद यही सारा कुछ ढूंढते ढूंढते मैं गई थी रुद्र को ढूंढने, क्योंकि वो भाई साहब मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। और जहाँ पे मैं देखती हूँ तो वो खड़े थे यहाँ पे आइसक्रीम के पास, क्योंकि उसको आइसक्रीम खाना था। उसके बाद हम वापस अंदर चले गए जहाँ पर हमारी दुल्हन की एंट्री हो रही थी। ये दूल्हे से भी यार थोड़ी सी ग्रैंड ही थी और बहुत अच्छी थी। और उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर।